27 जनवरी को इनका रिजल्ट आने वाला है। और महत्वपूर्ण बात यह है सर, वेदांता ने सर वेदांता इंटरनेशनल जिंक की संपत्ति को बेचने के लिए अपनी सहायक कंपनी जो इनकी है हिंदुस्तान जिंक को बेचने का एक मन बना लिया, जो अब अपनी ही कंपनी के पास संपत्ति को हस्तांतर करने का मकसद क्या है सर? वेदांता की जो भी परियोजना है, बड़ी बड़ी परियोजना, उसके लिए ज़्यादा पैसा लगता है। ये किसी भी तरीके से पैसे को जुटाने का कार्य वेदांता कर रहा है। अब इससे जितना भी इसका पैसा होगा ये अपने काम के लिए इस पैसे को लगाएगा, और इससे यहाँ पर आपको मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है हिंदुस्तान जिंक। आपको यकीन करना पड़ेगा सर कि भारत की सबसे बड़ी जिंक लीडर जो कंपनी है कौन सी है? हिंदुस्तान जिंक है, और पूरे वर्ल्ड में दूसरा नंबर आता है हिंदुस्तान जिंक का। तो अब ये एक संपत्ति को दूसरे संपत्ति में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पर इसकी क्षमता हिंदुस्तान जिंक की बढ़ जाएगी, और इससे जो पैसा प्राप्त होगा उसे वो अपने सेमीकंडक्टर के बिजनेस में लगाएगा। एक न्यूज़ और निकल कर वेदांता के साथ आ रही है कि वेदांता ने कह दिया है कि ये कंडक्टर प्लांट पर सरकार की मंजूरी मिलने के तुरंत बाद से ही ये काम स्टार्ट कर देगा। देश की जरूरत सेमीकंडक्टर और वैश्विक स्थिति में निर्यात करने के लिए जो सेमीकंडक्टर का सपना मोदी जी ने देखा और हमारे देश ने देखा है, कहीं ना कहीं इसके अंदर बड़ी अभिलाषा सेमीकंडक्टर में बनती जा रही है। अब उस काम को और ये बढ़ाने के लिए एक काम को अलग शिफ्ट कर रहा है, यानी कि ये कुछ चीज़ें अपनी दूसरी ही कंपनी को बेच रहा है ताकि वो एक तरफ अपना दिशा निर्देश लगा सके। तो वेदांता की एक अभिलाषा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है कि ये सेमीकंडक्टर में बढ़ चढ़कर और सरकार की सिर्फ हाँ और मंजूरी के बाद से ये प्लांट में काम स्टार्ट कर देगा। तो वेदांता सर आज के लिए भी शेयर नहीं है, मैं आपको बता दूं वेदांता आने वाले दिनों के लिए शेयर है, और लोग तो इसे डिविडेंड के माध्यम से भी रखते हैं। तो वेदांता ने एक बहुत ही पॉजिटिव काम यहां कर दिया है।